रिक्शे वाले तो आवाज नहीं आ रही, क्या बात है। एक बार जरा इंडियन एयरफोर्स के लिए जोर से ताली बजे। सिविलियन एयरक्राफ्ट जैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं, अगर ज्यादा थक जाते हैं उनको लगता है कि उनको मजा नहीं आ रहा नीचे बैठने में, लेकिन एक्सचेंज द सीट टू द फ्रंट ऑफ देयर, सो यू विल कम्फर्ट नो मोर योर फ्रंट ऑफ। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट जर्नी। So they have landed in Lviv and then they are coming here. Hopefully the others who are remaining there will also come out. There is only one area of concern which I want to share with you. आप में से ज्यादातर लोग तो यहाँ पर बैठे हैं जिनको अपना घर प्यार रहा है, वो जाने की तैयारी में है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको बुला रहे हैं, वो ज्यादा वरिड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लोग कुछ उल्टी सीख पढ़ा देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी और देश में चले जाएंगे तो शायद वहां पे कोई नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, और एक चीज को याद रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा लेते हैं। इस चीज को सबको बताइएगा, इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी चले जाओ, वहां पे पता नहीं बोझा ढोने का काम मिल जाएगा, कुछ पैसे कम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट इज बेटर आप अपनी पानी की कमी ना हो। खूब आपकी मदद हुई है, बहुत ज्यादा। और यूक्रेन में भी मदद हुई, बहुत ज्यादा। इंडिया में ऐसे मदद, इंडिया में इतनी हेल्प नहीं होती जहाँ इतनी जरूरी है। ये तो हरियाणा का है क्या? आवाज से तेरे से कहाँ का? रोहतक का? आज रोहतक का? कितने